इन्फॉर्मेशन तो वैसे देखे तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया हमने, पर अगर आप इस शो को सुने तो आपको पता चलेगा कि इसमें रिसर्च वर्क बहुत कम है। इसमें मैं एक इंसान को, जितना मैं इनको सबको थोड़ा बहुत सोनू जी के वजह से जानती हूँ, तो एज अ पर्सन मुझे पता है कि ये कैसे हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और इनसे मैं किस हद तक किस तरह से बात करके वो चीज़ों को सुनने वालों तक पहुंचा सकती हूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी की वाइफ हूँ और इनके कलीग दोस्त उनकी वाइफ हूँ, तो मुझे भी सवाल पूछने के पहले दो बार सोचना पड़ता है, पर एट द सेम टाइम मुझे सुनने वालों को वो सारी चीज़ें पेश भी करनी है जो उन्होंने कभी सुना नहीं है। तो उसको मैं बहुत ध्यान से अपने दिमाग में पहले सोचती हूँ और फिर उनसे पूछती हूँ, ताकि उनको भी बुरा ना लगे और वो दिल खोल के फिर बोलते हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो जब आप एक्सपेक्ट नहीं, आप जनरली आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझसे तो ये पूछेंगे मैंने अपने स्ट्रगल में क्या किया था, मेरे करियर में मैंने शुरुआत में क्या किया, ये किया वो किया। यहाँ उनको पता ही नहीं था कि मैं पूछने क्या वाली हूँ, तो हर एक सवाल के बाद उनको ये नहीं पता था कि अब कौन सा सवाल आने वाला है। तो उस वक्त दिमाग में अगर प्रेपरेशन ना हो तो बात सच्चाई से निकलती है। तो जितने आर्टिस्ट ने बात की है उन सब ने अपने ज़िंदगी के पन्नों को एकदम एक्चुअली कोरे कागज़ की तरह उसमें दोबारा लिखा है उन लोगों ने हमारे लिए। सवाल बहुत अच्छा है आपका। हमने एक्चुअली बहुत जल्दबाजी में शो की शुरुआत की थी और उस वक्त मैंने सोचा कि पहले शो को बढ़ने देते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं किसी की एक पर्सनालिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उस पर्सनालिटी के एक शैडो को लेके मैं चलती हूँ, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए थोड़ा वक्त लगता। तो अब जब लोगों ने पसंद किया, लोग जानते हैं, तो हमने सोचा अब उसके बारे में, अब हम कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बात कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम ये था कि पहली बार रेडियो पर, या जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी भी चैनल में शोज़ पे आपने एज रियलिटी शोज़ में जजेस के तरह इन लोगों को पाया होगा, वो आपस में कभी बात नहीं किए हैं इस तरह से। आज जब आप संडे को ये शो सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के बारे में बात करेंगे, अपनी दोस्ती, या कभी शायद किसी को कुछ बुरा लगा हो किसी के बारे में, या जो भी अपने एक्सपीरियंसेस, वो अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहती हूँ ताकि आप लोग सब सुने शो को। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और